बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान असानी तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त के मुताबिक असानी वर्तमान में दक्षिण पूर्व अंडमान में है, जो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 10 मई तक उसी दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है। बाद में यह विशेष रूप से ओडिशा के पास से गुजरते हुए आगे बढ़ेगा, जो 11 मई शाम तक पुरी के दक्षिण में पहुंचेगा। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि चक्रवाती तूफान ओडिशा या आंध्र प्रदेश में दस्तक नहीं देगा, लेकिन तट के पास से ही आगे बढ़ेगा। IMD के महानिदेशक का कहना है कि तूफान अब उत्तर पश्चिम दिशा में तट की ओर बढ़ रहा है। यह 10 मई की शाम तक उस दिशा में आगे बढ़ना जारी रखेगा। IMD के महानिदेशक का कहना है कि ओडिशा तट के पास समुद्र की स्थिति 9 मई और 10 मई को खराब रहेगी। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक समुद्र में हवा की गति 10 मई को बढ़कर 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। मौसम विभाग ने 3 राज्यों में तेज हवाएं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात की वजह से उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर मंगलवार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है। IMD का कहना है कि ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में हवा की गति लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। हवा की यह स्थिति 11 मई तक बनी रहेगी और उसके बाद कम हो जाएगी। उनका यह भी कहना है कि इसके प्रभाव से ओडिशा के तटीय जिलों जैसे गंजम, गजपति, खुर्दा, जगतसिंहपुर और पुरी में 10 मई की शाम के बाद हल्की से मध्यम बारिश भी होगी। वहीं IMD के एक विशेष बुलेटिन के अनुसार 10 मई की शाम को तटीय ओडिशा में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। गजपति, गंजम और पुरी में एक या दो स्थान पर भारी बारिश 7 से 11 सेंटीमीटर होने की संभावना है। इसके बाद अगले दो दिन गंजम, खुर्दा, पुरी, जगतसिंहपुर और कटक में एक दो जगहों पर बारिश हो सकती है। मछुआरों को 10 मई और 11 मई को गहरे समुद्र में ना जाने की भी सलाह दी जा चुकी है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि वे 10 मई से अगली सूचना तक समुद्र में और पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा के तटों पर ना जाएं। पश्चिम बंगाल में आपदा प्रबंधन टीमों, पुलिस और कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। महत्वपूर्ण स्थानों पर नावों को तैनात किया गया है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव की वजह से ये नया चक्रवाती तूफान असानी पैदा हुआ है। इस चक्रवात तूफान का नाम असानी है। असानी का श्रीलंकाई भाषा सिंगली में मतलब क्रोध होता है। यह साल 2022 का पहला तूफान है। कोलकाता में नगर निगम ने चक्रवाती तूफान असानी के बनने के मद्देनज़र अपने कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।